मौसम छे मन भीजे आजा कर मन की जानी मारा गीता पंक्तियां समझिए एक देख कड़ी कऊ पर कालो भौरो बैठो अरे देख देख कड़ी कऊ पर कालो भौरो बैठो अरे ठुमका देती कबूतरी न फिर कबूतर फेंटो देख देख कड़ी कऊ पर कालो भौरो बैठो। मैं जब जब दुर्गा दान जी को सुनता हूँ मुझे लगता है कि लोक भाषा में इतना माधुर्य है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, हम खड़ी बोली के लोग हैं, यहाँ पर भाटी साहब दुर्गादास जी लोक भाषा के कवि, जो नए लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के आईआईटी के बैठे हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग कॉलेज के बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों के बैठे हुए हैं, उनसे एक ही बात कहता हूं कि लोक भाषा में और इस खड़ी बोली में और हमारी भाषाओं में एक ही अंतर है। हम तो कस्बे में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, हमने तो इत्र के नाम पर माँ की लोहे के संदूक में पड़ी हुई छोटी सी शीशी की बोतल देखी थी, बस पीले रंग की, वही इत्र था। खुल जाता था तो पता चल जाती थी कि साड़ियां महक गई हैं। विदेश गए तो पता चला कि 5-5 लाख रुपए का भी परफ्यूम होता है, 10-10 लाख रुपए की परफ्यूम होते हैं, पहली बार पता चला। लेकिन अगली टिप्पणी दुर्गादान जी को बुलाई गई आपकी तालियों के बीच, दुनिया का कोई भी परफ्यूम कितना भी खूबसूरत महक पैदा करता हो, इसी मरुधरा में जलते हुए जून के बाद जब आवारा बादलों का पहला झोंका बरसता है, वो जो जमीन से सुगंध उठती है उससे खूबसूरत है। जो दुनिया की सबसे खूबसूरत सुगंध है, जो आपकी स्मृतियों में कैद है और जिसे कृत्रिमता की कोई बोतल कैद नहीं कर सकती है। हम सब लोग एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री दुकानों पर बिकने वाले महंगे परफ्यूम हैं, लेकिन मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, चंबल के किनारे से आई हुई जिस आवाज को बुला रहा हूं, वो वही सुगंध है जो जलते मरुस्थल में पहले दोंगड़े के पड़ने के बाद होती है। इस मंच के समस्त आदर और श्रोताओं के समस्त आदर के बाद, इस मंच के आयु की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ, कविता की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ और कवि सम्मेलन यात्राओं के सबसे वरिष्ठ आदरणीय दाभाई को आमंत्रित करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। आदरणीय दुर्गा भाई, बहुत कुछ कह दिया भाई कुमार ने, मेरी पात्रता से ज्यादा कह गए। मैं अध्यक्ष आसन को प्रणाम करता हूँ, मनीषी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। एक गीत से शुरू करता हूँ, राजस्थानी का गीत है, श्रृंगार की बड़ी बड़ी बातें होती है। आयदान सिंह साहब अभी राजस्थानी कविता के बारे में समझा रहे थे, वो कैसे कवि बने। ऐसे अवसर हमारे हाथ में नहीं आए, हमने तो एक बहुत पहले एक फिल्म थी उसकी दो बात दो शब्द अटक गए मेरे आज तक भी ध्यान में, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है, हर चीज है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा एक राजस्थानी का श्रृंगार गीत देखिए। मारा गीता की धरानी, मारा गीता की धरानी, कोई माथनी सा पानी, ए मौसम छे मन भीजे आजा कर मन की जानी मारा गीता की, हे मारा गीता की धरानी, कोई माथनी सा पानी, ए मौसम छे मन भीजे आजा कर मन की जानी मारा गीता। पंक्तियां समझिए, देख देख कड़ी कऊ पर कालो भौरो बैठो, अरे देख देख कड़ी कऊ पर कालो भौरो बैठो, अरे ठुमका देती कबूतरी न फिर कबूतर फेंटो, देख देख कड़ी कऊ पर कालो भौरो बैठो, अरे ठुमका देती कबूतरी न फिर कबूतर फेंटो, अरे मन में थारी आस लगाया, एक कुमार सो बैठो,
है प्यार बिना सुनी सुनी चनकरा भरी जवानी मारा गीता की है मारा गीता की गहराई कोई मात नहीं सा पानी ए मौसम थे मन भी चले आ गया कर लिया मन की जानी मारा गीता। चार पंक्तियां देखिए सांप जैसा विषैला जीव भी प्यार की भाषा को समझता है। पंक्तियां इस तरह कसापान शीत समाधि नागणी कसाथ कसापान शीत समाधि नागण्या कसाथ और तोता में ना कर डाल पो सुख दुख की दो बात सांपान समाधि नागणों के साथ और तोता में ना कर डाल पर सुख दुख की दो बात अरे कभी प्यार में सहलागी तो कभी खाए मात ए प्यासो हिरण हेरियो चेहरनी की आंख में पानी मारा गीता की हे मारा गीता की धराई कोरी मां। चार पंक्तियां गीत की अंतिम चांद चांदनी चांद चांदनी दारू तर्पण भौरा तितली भूल चांद चांदनी दारू दर्पण भौरा तितली फूल एक एक अशी रूपाली सी मोत्यारपण की भूल चांद चांदनी जवानी की हसीन खटाएं कि चांद चांदनी दारू दर्पण भौरा तितली फूल एक एक अशी रूपाली सी मोत्यारपण की भूल कनीड़े आओ नेह बनाओ सबपण करो कुबूल मुँह बनर पसीनो चो जाओ तू हो जा पानी पानी मारा गीता की हे मारा गीता की घराने तोरी मात निसा पानी। एक दूसरा श्रृंगार गीत देखिए वाह पहले नायिकाओं की चाल के लिए अलग अलग बातें कही जाती थी। हिरनी सी चलती है वो नागिन सी चलती है। देखिए मैं लोक तत्व से एक अलग सी उपमा लाया हूँ उपमा के लिए ये गीत लिखा और कुमार को ये गीत बहुत पसंद है इसलिए मैं आपको सुना स्वागत है। तू कतने खूब खुले छे पानी में चांद भूरे छे तू कतने खूब खुले छे पानी में चांद भूरे छे थारी चाल अशी मिजाजन थारी चाल अशी मिजाजन थारी देखी शरीर की मानसिकता अशलग छंगा कोई भाई की जोड़ी अशलग छंगा ढील काय तोड़ जान मेरा मम्मस्ता कोई भाई की जोड़ कुण नपे तसु और कुण पड़े हो ठगो रह गयो ते चिते रो और चरण चुगले छे तू कतनी कुले छे पानी में चार घुले छे थारी चाल यसी मिजाजन थारी प्यार की बात करते वक्त उस सफोकेशन में पहले कर चेहरे पे पसीना आ जाता ललाट पंक्तियां दे जैसे किसी पुजारी ने संगमरमर की किसी मूर्ति पे कुछ पानी गिरा दिया और उसकी बूंदें अटकी रह गई। उपमा दे दिया तो उजला ललाट पर पसीना को पड़ाओ जहां मूर्ति पर ठहर गयो हो सपड़ाओ
उजला ललाट पर पसीना को पड़ाओ, जान मूर्ति पठर गयो हो सपड़ाओ। कांच माई तरच कुंवारा हावाओ, कांच माई लड़कियां कांच में तैरती और मछलियां पानी में तैरती। उजला ललाट पर उजला ललाट पड़ाओ, जान मूर्ति पठर गयो हो सपड़ाओ। कांच माई तरच कुंवर हावाओ, पहली तो दे प्यार कोनो तो और फिरू बदले छे। तू पत्नी को पुले छे, पानी में चार गुले छे। आपका सौंदर्य क्या है, नींद का नशा में आप दो वक्त अच्छी लगती मेरी अपनी मानो, एक नशे के बाद एक नींद के बाद। नींद का नशा में डूबी डूबी थारी आंख, नमली पलक जान पखेरु की पांख। नींद का नशा में डूबी थारी आंख, नमली पलक जान पखेरु की पांख। हे तारुसी हो एक पारटी झांक, हे उमग रही जान गंगा जी, उमग रही जान गंगा जी। जब दो होट खुले जे तू तकनी भूख खुले जे, पानी में चार भूले जे। तारी चाल यशी अभिराजन, पानी में मूग। बहुत बहुत धन्यवाद।